स्कोरिंग प्लेयर हो मतलब और इसके साथ पहली गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अंपायर शाहरुख खान फैन क्लब में है, अंपायर शाहरुख खान की तरह बोलते हुए सायोनिटा, ये वाइड बॉल है। और अगली गेंद कराते हुए बॉल उछाली और बहुत अच्छी ऑफ पे शॉट मारते हुए बढ़िया फील्डिंग करते हुए, क्या कमाल क्षेत्र है। और इसी के साथ अंपायर का इशारा एक और बार सायोनिटा, ये वाइड बॉल है। अंपायर वाइड बॉल का इशारा करते हुए और अंपायर मोइन और अनिल शर्मा बॉल पकड़ते हुए अगली गेंद फेस करेंगे। एक और बेहतरीन गेंद कराते हुए ऑफ पे, एक बॉल वाइड एक बॉल अंदर, ये इनका मेरे को लगता है आज की स्ट्रेटेजी बॉलर की यही है, एक बॉल वाइड कराओ एक बॉल अंदर रखो ताकि ज्यादा ज्यादा 5 रन आएंगे। और जैसा कि इस टीम का नाम भी है इंद्री गैंग, इंद्री शायद लेकर आए लग रहा, पीछे गए थे पवेलियन में तो वहां पर कुछ निश्चित रूप से मंत्रणा जरूर हुई है जैसा कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और ये गेंद हवा में जाती हुई, अमोल बहुत सेफ हैंड है, बहुत ही बढ़िया गेंद कैच पकड़ते हुए और इसी के साथ पहला विकेट का नुकसान होता हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इंद्री गैंग इंद्री का शायद यहाँ पर सेवन कर कर आया और उसी का परिणाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहला विकेट यहाँ पर जाता हुआ पवेलियन के बाहर इंद्री गैंग के बल्लेबाज, जो अपना बल्लेबाज शरद मशोरकर 12 रन की जगह लेने आते हो तो कौन, एक और खतरनाक बल्लेबाज सूरज मात्रे। और इंद्री गैंग जिन्होंने की एक से एक बल्लेबाज गेंदबाज दिग्गज इस कासारो क्रिकेट ग्राउंड के भर रखे अपनी टीम में। और इस बार खेला जरूर पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और यहां पर अंपायर मोहन का इशारा आता हुआ डांसिंग 4 और इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 8 रनों पर, 2 गेंदें भी शेष इस ओवर के। अपने बॉलिंग मार्क पर सुमित यादव, स्ट्राइक पर होंगे सूरज मात्रे और इस बार सूरज मात्रे ने जरूर घुमाया बॉल को लेग साइड में, फील्डर वहां मौजूद और मात्र 1 रन ही मिलेगा, 1 बॉल शेष है इस ओवर में, अंतिम बॉल होगी इस ओवर की सुमित के द्वारा। स्ट्राइक पर होंगे आवश्य, स्कोर पहुंचा अभी मात्र 9 रनों पर सुमित, राइट आर्म ओवर द विकेट टू आवेश। और इस बार आवेश सीधा शॉट खेला है, फील्डर वहां मौजूद, अच्छा क्षेत्र रक्षण, हाथ नहीं तो पैर ही सही और उसी का यहां उदाहरण देते हुए अमोल निश्चित रूप से चौके को यहां पर 1 रन में तब्दील किया और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रनों पर पहले ओवर की समाप्ति पर। और अब देखना होगा यहाँ पर मैवरिक्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर कौन आएगा, तो यहाँ पर संभावना लगती है कि दूसरा ओवर लेकर आएंगे अनिल शर्मा। इंद्री गैंग जिस प्रकार की बल्लेबाजी है उनके पास,
उसके हिसाब से जरूर एक कम स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर मात्र 10 रन। माइक चेक, माइक चेक। आप सभी ने नोटिस किया होगा काफी दिनों से बादल छाए थे आज, लेकिन टूर्नामेंट के लिए बादल हट चुके हैं। अगली बॉल, अच्छी बॉल और उतना ही अच्छा शॉट कवर की तरफ, गोली की रफ्तार से बॉल बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा है 14। और कासारियों के जाने माने बल्लेबाज आवेश आज काफी आवेश में होंगे। इंद्री गैंग, कल ही डिस्कशन हुआ था। ओ लंबा सिक्स और रोड पे जाते हुए लोगों को ध्यान देना होगा क्योंकि क्रीज पर है आवेश सिंह। इंद्री सिंह ने इस बार टीम ऐसी बनी है कि दूसरी टीम की इंद्रियां बिगड़ जाएं, लेकिन देखना होगा कि किस तरह दूसरी टीम इसका सामना करती है। 2 बॉल पे 2 बाउंड्री आ चुकी है। अगली बॉल आवेश के लिए, ओ अच्छी बॉल, बॉलर का हाथ सिर पे, लेग बाय का इशारा। काफी फॉर्चुनेट है कि यहां LBW नहीं है, अदरवाइज डिसीजन कुछ भी हो सकता था। 2 बाउंड्री के बाद अच्छी वापसी, अब सामने होंगे सूरज मात्रे ना कि कासारियो निलजे डोंबिवली के जाने माने ऑलराउंडर। और देखते ही ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, काफी दुखी होंगे सूरज, फुल टॉस बॉल मिस कर दिया उन्होंने, पर एनीवे फ्री हिट। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको देख के ना बॉलिंग का स्पीड भी, हां बल्लेबाज का प्रेशर अलग ही रहता है। हां अब है आवेश, इस टीम में ऐसे हैं कि एक के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज और बॉलर भरे हैं। और ये लंबा शॉट 6 रनों के लिए एक्सोटिका की तरफ, और इस ओवर का ये तीसरी बाउंड्री, 2 छक्के 1 चौका। स्कोर जा पहुंचा है 29। अनिल शर्मा की 2 बॉलें बाकी और सामने होंगे आवेश सिंह। और ये अच्छा शॉट, और ये क्या बॉल जाने दी और एक और बाउंड्री, ना खुश बॉलर। इस ओवर में अभी तक 22 रन आ चुके हैं और इस ओवर की ये आखिरी बॉल। ओह अच्छी बॉल थी, मिस किए, लास्ट बॉल डॉट बॉल, और अच्छी बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 33। आवेश सिंह खेल रहे हैं 22 रनों पे, 7 बॉलें खेली हैं, और सूरज मात्रे 3 बॉलों पे 6 रन नाबाद। स्कोर जा पहुंचा 33। बॉलिंग पावर प्ले जिसमें
वाइड बॉल प्रशिल की, ऑफ स्टंप के बाहर। हेलो, और ये मिस फील्ड होती हुई, चार रन। स्कोर 38। और ये अंपायर का इशारा, शायद नो बॉल। और फ्रीड पे क्या छक्का कुछ है कि नहीं, फ्रीड पे ऐसे बॉल स्कोर 40 रन। और ये ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 47 रन। बॉलर नेम नितिन पवार, नितिन लेंबे, नंद कुमार पवार। हाँ तो क्या रहे यार, ऐसे थोड़ी चलता है यार, कुछ भी बोलोगे यहाँ पे, इतना मेहनत लगता है चेंज करने में साला। और ये अच्छी गेंद एक रन के लिए खेल दिया है, स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, ओवर नंबर 4।
और ये गेंद हवा में, एक रन 49। ओवर की चार गेंदें शेष। और ये अच्छा शॉट और ये गेम सीमा रखेगा बाहर, 6 रन। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। एक शानदार शॉट 4 रन के लिए, स्कोर 59। और ये अच्छा शॉट 6 रन के लिए, अच्छी बैटिंग करते हुए इंदी गैंग की टीम, स्कोर बढ़ता हुआ 65। ओवर की आखिरी गेंद, और ये आखिरी गेंद पे 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन, 4 ओवर। चार ओवर। अभी बैटिंग पावर प्ले केवल 4 और 6 ही मार सकते हैं, सिंगल अलाउड नहीं है। बॉलर नेम अमोल भाई, राहुल, राहुल कुलकर्णी। फील्डिंग की एडजस्टमेंट करते हुए स्ट्राइक पे सूरज मात्रे। इंद्री गेंग के पास बल्लेबाजों की भरमार है, 15 के 15 बल्लेबाज हैं। और ये अच्छा शॉट 6 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 75। बैटिंग पावर प्ले की दूसरी गेंद, स्लोअर बॉल, थोड़ा बैट जल्दी घुमा दिए। और ये डॉट बॉल, और ये वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 76, 4.2 ओवर। और ये वाइड बॉल, स्कोर 77। और ये अच्छा शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन,
स्कोर बढ़ता हुआ इंद्री गैंग का 83। और ये अच्छा शॉट सूरज मात्रे का, स्कोर बढ़ता हुआ 89 4.4। डॉट बॉल और ये अच्छा शॉट, गेम फिर से सीमा रेखे के बाहर 6 रन, स्कोर हुआ 95। और ये पारी का अंतिम ओवर ओवर हो गया। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इंद्री गैंग के टीम। बॉलर अच्छी गेंद, मगर अंपायर का इशारा वाइड गेंद, थोड़ी सी वाइड लाइन के बाहर। अच्छा डिसीजन अंपायर का। और एक अच्छा शॉट ऑफ साइड 6 रन, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 102 इंद्री गैंग के 102 और अभिषेक सिंह के 50 रन पूरे कैरियर के 100वीं 50 मार चुके हैं। देखते हैं शतक में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। और ये एक और शॉट, अच्छा शॉट शतक की तरफ बढ़ते हुए आवेश, और इंद्री गैंग का 108। और ये अच्छी गेंद, और ये आवेश सिंह आउट होते हुए। और ये ओशियाना के रीढ़ की हड्डी लक्ष्मण शर्मा फिनिशिंग के रोल के लिए जाते हुए प्लेयर डगआउट्स में ही बैठे, कृपया बाहर न जाएं। कीपर नेम और नए रोल में लक्ष्मण शर्मा। और ये अच्छा शॉट, और आते ही घुमा दिया और सीमा रखे के बाहर 6 रन। अच्छी लो फुल टॉस, अच्छी गेंद, और ये पारी की अंतिम गेंद। और ये बहुत अच्छी गेंद, अच्छी गेंद डॉट बॉल, और ये पारी समाप्त होती हुई। और टीजे आए हैं रहस्यमयी बल्ला लेके। स्कोर क्या हुआ 100? स्कोर हुआ 115।
नेक्स्ट मैच रियो गन्स वर्सेस रियो रॉयल्स टॉस के लिए तमिल अभी रूम से निकल चुके हैं। तमिल थोड़ा नहाने में बिजी हैं। Toss won by Rio Royals and they will decide after one day. Rio Royals और इंद्री गेंग की टीम 15 बॉलर 15 बैट्समैन बाकी के 15 बाहर बैठे हैं अपनी नेक्स्ट मैच में 15 खेलेंगे और 15 बाकी तो रिजेक्ट कर दिए गए हैं ट्रायल में जो आए थे। स्कोर 115 टारगेट 116 छह ओवरों में। बॉलर नेम स्कोरर रेडी अंपायर रेडी चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत अच्छा शॉट लेकिन हवा में और ये अच्छा कैच वहां पे मनोज का पहला गेंद पहला विकेट शुभम के नाम अच्छी बॉलिंग। पारी का खाता खोलते हुए स्कोर 1 रन अच्छी गेंदबाजी शुभम की ऑफ साइड ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ लगता है इनको टीजे का बैट देना पड़ेगा रहस्यमय बल्ला। और ये अच्छा शॉट क्लासिकल ऑफ साइड 1 रन के लिए और ये 9 बॉल फ्री हिट
फ्री हिट और अंपायर इशारा वाइड और फ्री हिट कंटिन्यू। और ये तमिल नहा धो के पूरा तैयारी से आते हुए और पीछे पीछे और बहुत अच्छी गेंद डॉट गेंद अच्छी गेंदबाजी करते हुए और रियो रॉयल्स टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किए हैं और रियो गन्स करेंगे बैटिंग। और बहुत अच्छा शॉट गेम सीमा रखे के बाहर पहली बाउंड्री आती हुई 6 रन 10 रन।
35 12 ओवरों में 71 रनों की जरूरत रियो मैवरिक्स को। अच्छी बॉलिंग इंद्री गैंग। मनोज शेट्टी बॉल 40 बनाकर अमोल भमरे खेलते हुए अपनी टीम को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा टोटल चेस करने के लिए। फिर से एक अच्छी बॉल मनोज शेट्टी। तगड़ी बॉलिंग यहां पे
स्लोअर वन फसाया। अच्छी बॉलिंग, अच्छा दिमाग यूज करते हुए यहाँ पे। एक साथ ओवर खत्म हो गया, लास्ट ओवर लेके आते हुए। नेक्स्ट ओवर लेके आते हुए शैलेंद्र सिंह।